हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनकट। और हमारे साथ जुड़े रहिए मनाली के व्लॉग ये है में। ट्रैकिंग, स्मॉल विलेज ट्रैकिंग। हाय, इट्स वेरी डेंजरस। नीचे आप नीचे नजर मारिए जरा, आपको दिख रहा है कितनी हाइट हम 2 मिनट में चढ़ गए। पकड़ आराम। एक मिनट, नीचे देखिए हम कितनी हाइट चढ़ के आ गए। ये दिल्ली में कम से कम नहीं तो 5वीं मंजिल का घर है, है ना? रुकिए, थोड़ा ध्यान से आना, गीला है क्योंकि तो स्लिपरी होगा। ये कितनी हाइट पे आ गए। वहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी और ये हम यहाँ इतना रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और हमारी धड़कनें तेज हो गई हैं। अभी और भी ऊपर जाना है, अप एंड डाउन कर रही है। चलो हम स्टार्ट करो, अभी और ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे धूप दिख रही है, ये हम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। और ये पहुंच गए हम पहाड़ के ऊपर और इतनी तेज़ धूप आई हुई थी कि बहुत मज़ा आ गया था सर्दी में। और कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक कराई, साथ में छोटे से गांव का हमने टूर किया जो पहाड़ के ऊपर था। उसके बाद हम पहुंच गए व्यास नदी पे राफ्टिंग के लिए और पानी इतना ठंडा था, फ्रिज करने वाला। जैसी भी राफ्टिंग हमसे हुई वो हमने ट्राई किया। खतरनाक, ये मिस्टर सुधीर जोन से, ये मिस्टर सुधीर रिवर राफ्टिंग करते हुए। नहीं, रिवर राफ्टिंग नहीं कर रहे हम, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के ये बोट की कमांड मिस्टर मिस्टर लक्ष्य मिस्टर लक्ष्य लेके बैठे हुए। हमें हमारे कमांडो यही है जो हमें गाइड कर रहे हैं और हमें लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये वो लक्ष्य, वो गो लक्ष्य गो। अभी वाटर इज स्टिल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हां, अभी तो स्टिल है लेकिन फिर से आएगा रैपिड। वो दिखाओ तुम। वाओ, देखो उधर देखो, ये लो आप करना मेरा थोड़ा सा इधर। अरे अभी यहां कंट्रोल आ रहा है, रुको। नहीं, मेरा चक्री हो गया, गोला घूम गया, हमने घूमा पूरा घूम के आए। देखो उधर, आई थिंक फोग समथिंग लाइक दैट। आवाज कितनी तेज आ रही है पानी की, शानदार घटे कितने गुजरते हुए। हाँ, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे टर्बुलेंसेस आ रहे हैं, झटके कैसे खा रहे हैं, कैसे हम एंजॉय कर रहे हैं। उधर बताओ, बोले तो हमारे दुश्मन वो वो हमने पीछे छोड़ दिया उनको, काफी पत्थर पत्थर और ये एक रॉक से हमारी बोट टकरा गई थी, बट स्टिल हम एंजॉय कर रहे हैं आराम से बैठे हुए। सुधीर सर सहमे सहमे, अब मेरा डर कम हो गया जब से मैंने स्विमिंग सीखी है। यू आर ए परफेक्ट स्विमर ना, यही सब एडवाइस है, स्विमिंग जरूर सीखे। जमो दो अभी, नहीं पानी बहुत ठंडा है वरना जरूर दे देता। फिर से राफ्टिंग रैपिड आ गया, फिर से छोटा
ठंडा पानी है। बैठो उधर, बिल्कुल कमर लगाओ उसमें। वो फोन क्या क्या कर रहे हो? अभी लग दो फोन वीडियो को नीचे ही। इस वेरी चिलिंग अभी वीडियो चल रही है या ये अच्छा आया होगा? पूरा कवर किया इसने। टाइम कितना लगेगा भाई यहाँ से वहाँ तक एंड पॉइंट तक? 35 to 40 वीडियो बन रही है। कमेंट्स की याद करें। हाय हाय, दिस इज रिवर राफ्टिंग अप्रोक्स 9 kilometers लॉन्ग। पानी बहुत ज्यादा चिलिंग है और ये आपका नाम क्या है? कुसुम। तो ये आप कुसुम विद अस और ये आप डायरेक्शन दे रही हैं उनको, ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्शन दे रही है। ये हल्का हल्का रैपिड जोन आया है। दिस इज अ मीडियम रैपिड जोन। चलो वी आर साइनिंग आउट। सम मोमेंट इज देयर। स्टार्टेड मीडियम रैपिड जोन। साउंड ऑफ बिट ऑफ शेकिंग ऑफ व्हाट इज टेकिंग प्लेस। और ये हमारा राफ्टिंग का रिवर राफ्टिंग का एंड हो रहा है। बहुत एंजॉय किया और बहुत खतरनाक जो भी था ये। खतरनाक इसलिए बहुत ही खतरनाक हम लोगों ने देखे। इसमें बहुत ही ठंडा पानी है और अंदर तक जम चुके हैं आप देख सकते हैं कैसे भीगे पड़े हैं। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही ठंडा वेदर है। नाबक हो चुकी है ठंड की वजह से। बच्चों को बताएंगे अभी जाके। कैसी रही आपकी राफ्टिंग? कैसी रही राफ्टिंग? अच्छी थी बट एडवेंचरस बिकॉज ऑफ द चिल्ड वाटर। जब जब छींटे पड़े हैं भाई साहब, कुछ जमाने वाला पानी है। जब पानी गिरता है तो आप कुछ सोच नहीं सकते। निकल जाती है। आप तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही कपकपा रहे हो। कितना ठंडा पानी था? बहुत ज्यादा ठंडा पानी था। आप ये देख सकते हो ये व्यास नदी और इसका पानी इतना ठंडा है जो आप सोच नहीं सकते हो। मैं भी कैसे कांप रहा हूं। ये सुधीर सर, सुधीर सर को देखो। हम स्टेबल खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी ठंड है। हम चाह के भी खड़े नहीं हो पा रहे, चलते हैं। बड़ा ही फ्रीजिंग पानी था। फ्रीजिंग पानी ने हमारे को पूरा फ्रीज कर दिया टोटली। ये आपको वीडियो भी शेकिंग टाइप पाता होगा क्योंकि मेरे हाथ ऑलरेडी कांप रहे हैं। वो सर पैर कैमरामैन के हाथ भी कांप रहे हैं। कैमरामैन भी कांप रहे हैं, सब कांप रहे हैं। तो बाजू में आग जल रही है तो हम लोग वहाँ जाएंगे अभी। और ये द सराउंडिंग्स इट्स ब्यूटीफुल दो। इट्स अ वेरी फ्रीजिंग वेदर। ठंड की वजह से हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद हम गए हॉट स्विमिंग पूल में जिसमें इतना गर्म पानी था कि सारी ठंड दूर भाग गई। यदि आप मनाली विंटर में जा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कॉमन पूल की बजाय आप छोटे छोटे मिनी पूल बुक करा सकते हैं जिसमें आपका अपना पर्सनल पूल होगा और हाइजीन भी मेंटेन रहेगी।